चौदह नंबर जो दस है उसको किस्मत की बुनियाद का मैदान बोला है। देखिए एक चीज हमने डिस्कस की है कि जो भी प्लान जो ट्वेल्थ हाउस होता है किसी हाउस से वो उसको व्यय करता है, जो सेकेंड हाउस होता है वो बढ़ाता है, ठीक है ना। तो किस्मत की बुनियाद का मैदान, मैदान मींस हम अपने घर से काम करने के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए अपने घर से बाहर जाते हैं, वहां हम अपनी किस्मत को आजमाते हैं कि हमारी किस्मत हमें कितना जो है सपोर्ट कर रही है। तो जो हमारी किस्मत है उसको खाना नंबर जो दस है वो बढ़ाता है। जब हम कोई प्रोफेशन में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो अपनी किस्मत को हम उससे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि ग्रह मंडल नौ ही से टेवे, घर दस में जब बैठा हो, छह पांच में खुआ दोस्त हो, उसके दुगनी जहर को होता हो। वो बोलता है कि नौ के नौ, पंडित रूपचंद जोशी बोलते हैं कि नौ के नौ जितने भी ग्रह हैं वो जब टेवे में टेंथ हाउस में, उनमें से कोई भी प्लेनेट जो टेंथ हाउस में आता है, खाना नंबर छह या खाना नंबर पांच में उसका कितना भी अच्छा फ्रेंडली प्लेनेट बैठा हो, दोस्त बैठा हो, उसको वो डबल एनिमिटी करता है उसके साथ, दुगनी जितनी मतलब एक तो होता भी जहर से को होता हो, मतलब जितनी एक तो होता उससे दुश्मनी करना, लेकिन वो डबल दुश्मनी करेगा, कट्टर दुश्मन हो जाएगा, बिटर एनिमीज हो जाएंगे छह और पांच में। अगर कोई प्लैनेट बैठे हुए हैं टेंथ हाउस से तो उसके बिटर एनिमीज हो जाएंगे, चाहे वो उसके कितने अच्छे दोस्त ही क्यों ना हो, ठीक है जी। जैसे सर अगर दस में सूर्य और पांच में गुरु है तो उन्हें दोनों भी वो बिटर एनिमीज, दे विल एक्ट एज बिटर एनिमीज एज पर द लाल किताब ग्रामर रूल्स। उन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि खाना नंबर पांच या खाना नंबर छह में, खाना नंबर दस के जो कितने भी अच्छे दोस्त बैठे हो वो हमेशा उसको दुश्मनी की नजर से ही देखेगा, डबल दुश्मनी की नजर से। अगर दुश्मन बैठे हैं फिर तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। फिर वो बोलते हैं यह दसवें का घर दस शक्ति दुगनी ताकत का होता हो, आंख बिना घर दो है जिसकी ख्वाब बारह में लेता हो, घर दूजे के खाली होते दसवां फौरन सोता हो, ठीक है। तो वो यहां पे बोल रहे हैं कि जो दसवें वर्ष फल के अंदर या वैसे भी कोई भी प्लैनेट या वर्ष स्पेशली वर्ष फल के अंदर अगर दसवें घर में कोई प्लैनेट आ जाता है वो शक्ति हो जाता है, ठीक है, और वो डबल ताकत से जो भी काम करता है रिजल्ट देता है वो डबल ताकत से देता है। कैसे, अगर तो वो मंदा होगा खराब होगा तो उसके बुरे इफेक्ट भी डबल आएंगे, अगर वो अच्छा होगा बेनिफिशियल होगा तो भी उसके जो इफेक्ट्स हैं वो अच्छे आएंगे। अब ये कैसे आएंगे ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। वो बोलता है कि यहां पे ये बोला गया है कि जो सेकेंड हाउस है वो टेंथ हाउस की आंख की तरह काम करता है, ये हमने जब सेकेंड हाउस किया था तब भी यही बात की थी, ठीक है ना। वो बोलते हैं कि अगर सेकेंड हाउस में कोई प्लेनेट है तो टेंथ हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, अगर अगर सेकेंड हाउस खाली है तो जो टेंथ हाउस है वो सोया हुआ माना जाएगा, डीएक्टिवेटेड हो जाएगा सेम टाइम, ठीक है ना। और वो जागेगा कब, जब शनि वर्ष फल के अंदर दूसरे घर में जाएगा तब वो जागेगा, ठीक है सर। वो जागेगा भी तो एक साल के लिए जागेगा शनि, वो फिर जाग जाएगा, जब वो जाग जाएगा तो जाग गया तो जाग। उन्होंने ऐसी यहाँ पे देखिए कोई कंडीशन दी नहीं है कि वो एक साल के लिए ही जागेगा, वर्ष फल के हिसाब से मैंने बोला, ठीक है सर, है ना। तो जब वो वर्ष फल में सेकेंड हाउस में पहुंच गए हैं तो वो जाग जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, यही बात उन्होंने बोली है। अब उन्होंने ये ऐसा कुछ नहीं बोला कि एक साल के लिए जागेगा या मतलब परमानेंट जाग जाएगा, तो मैं तो इसको ऐसे ही लूंगा कि परमानेंटली ही एक्टिवेट हो जाएगा, एक बार उसको एक्टिवेट कर दिया ना उन्होंने, फिर देखिए उन्होंने यही बात बोली है कि अगर
वर्ष फल के अंदर जो ग्रह वर्ष फल के अंदर उसमें आ जाएगा वो धोखे का ग्रह हो जाता है। वो अगर अच्छा करेगा तो वो दुगुना करेगा, अगर बुरा करेगा तो भी दुगुना करेगा, लेकिन कब करेगा? अगर खाना नंबर 8 मंदा हो जाए तो वो दुगुना मंदा हो जाएगा। अगर वर्ष फल में 10th हाउस में कोई प्लैनेट आ रहा है, अगर 8th हाउस खराब हो रहा है तो 10th हाउस दुगुना खराब हो जाए, ठीक है। अगर 2nd हाउस में प्लैनेट है वो ठीक है, अच्छा है, तो 10th हाउस में जो प्लैनेट आया है वो डबल अच्छा इफेक्ट देगा, ठीक है। अगर दोनों तरफ से मतलब बराबर है, ठीक है, अभी मतलब न्यूट्रल वाला सिस्टम है, तो पहले वो अच्छा इफेक्ट देगा, बाद में बुरा इफेक्ट देगा, ठीक है जी। फिर उन्होंने बोला है कि अगर खाना नंबर 8 और 2 दोनों खाली हो तो 3, 5 और 11 नंबर में बैठे हुए प्लैनेट्स को भी जज करना चाहिए, वो उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर वो भी खाली हो तो 10th हाउस में आया हुआ प्लैनेट जो है वो इफेक्ट कैसे देगा? जैसी बर्थ चार्ट में या वर्ष फल के अंदर शनि महाराज की पोजीशन होगी उस हिसाब से वो अच्छे या बुरे इफेक्ट देगा, ठीक है। फिर उन्होंने ये चीज बोली है कि अगर खाना नंबर 10 में कोई शत्रु ग्रह बैठ जाए, ठीक है, आपस में लड़ने फिरने मतलब लड़ने वाले जिनकी आपस में जैसे शनि और जैसे मतलब सूरज और ये हैं शुक्र हैं, ठीक है, ऐसे प्लैनेट्स बैठ जाएं जिनकी आपस में शत्रुता है तो वो एक अंधा टेवा हो जाएगा। इंसान के काम ऐसे होंगे, वो ऐसे चलेगा, मींस ऐसे इफेक्ट देगा जैसे एक अंधा इंसान सड़क पे चलता है, ठीक है जी। वो एक अंधे इंसान को दुनिया में जैसे मतलब वो विचरता है वैसे उस 10th हाउस के जो है इफेक्ट्स हो जाएंगे। मतलब आमतौर पे ये देखा गया, ऐसा आदमी डिसीजंस ही ऐसे लेता है जैसे अकल का अंधा होता है ना कोई, मतलब वो उसको समझ में नहीं आता कि उसके डिसीजन जो है उसका ही बुरा कर देंगे, या तो उसके प्रोफेशन स्टेबल नहीं होते, कभी इस प्रोफेशन में कभी उस प्रोफेशन में, और इनकम के लिए उसे स्ट्रगल करनी पड़ती है, और रीजन उसका ये होता है कि उसके खुद के जो डिसीजन होते हैं वो अकल के अंधों की तरह होते हैं, वो दूसरे की गाइड, ऐसे आदमी को चाहिए कि दूसरे की गाइडेंस ले, ठीक है जी। और ऐसी हालात में जब एनिमी प्लैनेट्स बैठे हों, ऐसी हालात में जो इफेक्ट्स होंगे उसके लिए हम चंद्रमा की पोजीशन देखेंगे कि बर्थ चार्ट में चंद्रमा की पोजीशन कैसी है। अगर अच्छी है तो वो कुछ थोड़ा बहुत अच्छा अचीव कर लेता है, अगर खराब है तो उसके इफेक्ट्स बहुत और भी ज्यादा खराब हो जाए, ठीक है जी। फिर उसके में बोला है कि जो खाना नंबर 4 में अगर कितने भी अच्छे ग्रह हों, उसके प्रोफेशन को सपोर्ट करने वाले कितने भी अच्छे ग्रह हों, उसकी लाइवलीहुड को, उसकी डेली इनकम को सपोर्ट करने वाले कितने भी अच्छे ग्रह हों, अगर खाना नंबर 10 अच्छा नहीं है या खाना नंबर 10 खाली है तो वो अपने अच्छे इफेक्ट्स दे नहीं पाएंगे, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला, फिर उन्होंने लास्ट में ये चीज बोली है कि अगर ऐसी स्थिति है तो अपने माता पिता से मिलते रहना, मतलब उनका आशीर्वाद लेते रहना, ऐसी स्थिति में एक अच्छी प्रिकॉशनल रेमेडी। यहां मैं दो तरह की बात करूंगा, एक तो प्रिकॉशन की, एक हम जो रेमेडी की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अपने माता पिता की जो आशीर्वाद लेना, उनसे मिलते रहना एक अच्छी रेमेडी होगी, और 10 अंधे लोगों को दोपहर का खाना खिलाना, सिर्फ खाना खिलाना, यहाँ पे स्पेशली ये चीज मेंशन की गई है कि उन्हें किसी तरह का कैश रुपया या पैसा ना दिया जाए, ये सेकंड रेमेडी होगी जो उसके उन दोनों के लड़ाई से जो जो दुश्मन पेरेंट्स बैठे हुए हैं उनके जो लड़ाई से बैड इफेक्ट्स उसको मिल रहे हैं उससे उसका बचाव करें, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है एक और पॉइंट कि राहु केतु और बुध ये तीनों का जो रिजल्ट है वो 10th हाउस में शक्की माना गया है। शक्की का दो मतलब है, एक तो ये रेमेडी हो सकती है इसकी,
दूसरा इसका मतलब ये हो गया है कि फिर वही कंडीशंस लगेंगी कि सेकंड हाउस टेंथ हाउस कैसा है, सैटर्न की पोजीशन कैसा है। लेकिन इस कंडीशन के अंदर जो सैटर्न की पोजीशन है बर्थ चार्ट के अंदर, वो स्पेशल ही हमें देखनी पड़ेगी कि शनि महाराज की पोजीशन कैसी है। एक चार्ट में वो अच्छा फल दे रहे हैं या बुरा फल दे रहे हैं, ये हम जब प्लैनेट्स का